तो दोस्तों ये है हीरो का स्कूटर मैस्ट्रो एज का स्पेसिफिकेशन। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसके सारे स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशंस, डायमेंशन, इलेक्ट्रिकल्स, टायर, वेट, ऑप्शनल एक्सेसरीज, जो भी है आप सब इसमें देख सकते हो। तो अब आओ हम स्कूटर को देख लेते हैं कैसा है, और मैं स्कूटर के बारे में कुछ जानकारियां दे देता हूं। तो ये है हीरो का स्कूटर मैस्ट्रो एज ब्लू कलर में। तो इसका पहले ही हम सस्पेंशन के बारे में जान लेते हैं। ये है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, और ये बहुत ही अच्छा शॉक एब्जॉर्बर है जो फ्रंट में दिया गया है। यह पीछे की तरफ लिखा गया मैस्ट्रो एज, 3D में लिखा गया है मैस्ट्रो, ब्रांडिंग किया गया है, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ दिया गया है। देखिए क्रोम में लिखा गया है मैस्ट्रो। यह पीछे की तरफ क्रोम दिया गया है बैक लाइट के ऊपर, जो टेल लैंप है बहुत ही खूबसूरत है, रोशनी में एकदम देखने में अलग है, बहुत ही खूबसूरत लाइट है इसका। देखिए कितना चमकदार है, LED लाइट है इसका पीछे की ओर, और क्रोम में फिनिश दिया गया है, साइड इंडिकेटर भी इसके साथ ही है। अब आइए इस तरफ से देख लेते हैं स्कूटर को। देखिए इस तरफ भी लिखा गया है मैस्ट्रो एज, ब्रांडिंग किया गया है इस तरफ भी, और ये है इसका गर्वेल, और ये सीट बड़ा सीट है, नरम गद्दीदार सीट है इसका, और ये इसका एनालॉग डिजिटल कंसोल मीटर। देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सर्विस रिमाइंडर भी आपको मिलेगा यहाँ से। जब स्कूटर का सर्विस का वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक इसका सर्विस रिमाइंडर ब्लिंक करने लगेगा, जिससे पता चल जाएगा कि स्कूटर का सर्विस का वक्त हो चुका है। यह है साइड इंडिकेटर का लाइट जो इंडिकेट कर रहा है। इसके ठीक ऊपर है स्टैंड इंडिकेटर, और उसको ठीक ऊपर है हाई बीम स्विच इंडिकेटर। तो ये है इसका हेडलाइट, AHO सिस्टम के साथ है ये हेडलाइट, ऑटो हेडलाइट ऑन, और ये है इसका इंडिकेटर जो बहुत ही खूबसूरत इंडिकेटर है। इस तरफ फिर से देखा जा रहा है ये टायर, ये 12 इंच का टायर है, ट्यूबलेस टायर है, 12 इंच का टायर है इसका ट्यूबलेस, और है इसका ये इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए ये हीरो का ब्रेकिंग सिस्टम है, ये है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। जब भी आप ब्रेक दबाओगे तो दोनों चक्के का ब्रेक धीरे धीरे एक साथ ही लगेगा, तो ये इंडिकेटर ऑन होने पर अच्छा लग रहा है देखने में। यह है इसका साइड से फुल व्यू, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। आइए स्कूटर का इंजन के बारे में जान लेते हैं। इसका इंजन टाइप है एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC। डिस्प्लेसमेंट है इसका 110.9 cc का। मैक्सिमम टॉर्क है इसका 8 bhp एट द रेट 7500 rpm, और मैक्सिमम टॉर्क है इसका 8.7 Nm 5500 rpm। इसका स्टार्ट है सेल्फ स्टार्ट। इसका जो साइलेंसर है बहुत ही खूबसूरत है। ये है पीछे का टायर, ये है रियर का टायर, 90-100 में है, 10 इंच के है ये टायर 90-100, और सामने का है 90-90 12 इंच का टायर। तो पीछे का भी ट्यूबलेस टायर है। इसका साइलेंसर भी मॉडर्न डिज़ाइन दिया गया है, मॉडर्न स्कूटर है पूरी तरह से, फुल मॉडर्न स्टाइल है इसका।
बहुत ही खूबसूरत है। इसका साइलेंसर भी, इसका ग्राफिक्स भी बहुत ही खूबसूरत है। इसका गैरवेल भी बहुत ही मजबूत है। और ये है फुट रेस्ट, जो पीछे राइडर बैठेगा, राइडर के पीठे पीछे जो बैठेगा उसके लिए है। और यहाँ पे कुछ सेफ्टी फीचर्स लिखा गया है। इसके ऊपर ये है इसका स्विच पॉइंट, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे है सब कुछ, फ्यूल ओपन यहाँ से होता है, सीट ओपन यहाँ से होता है, गाड़ी लॉक होता है, ऑन होता है, स्टार्ट होता है, सब कुछ यहाँ से होता है। तो इसे यहाँ पे एक सिस्टम है इमोबिलाइजेशन। ये इमोबिलाइजेशन होता क्या है, अगर कोई नकल चाबी बनाकर अंदर घुसा दे गाड़ी को चोरी करने के लिए, तो वो सेंसर काम नहीं करेगा और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसे ही कहते हैं इमोबिलाइजेशन, जो स्कूटर में दिया गया है। ये एक बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिया गया है हीरो की ओर से, तो हीरो ने बहुत अच्छा काम किया है इस पे। अब आइए देख लेते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे है सेल्फ स्टार्ट स्विच, यहाँ से आप सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो। ये है इसका हैंडल बार, और ये है इसका रियर व्यू मिरर, डुअल टोन रियर व्यू मिरर है, बहुत ही खूबसूरत देखने में है दिया गया है। गाड़ी बहुत ही ग्लॉसी है, ब्लू कलर में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये साइड से और है इसका पीछे की लीड, ओपन होने के बाद यहाँ से पेट्रोल डाला जाता है अंदर। ये लीड भी बहुत नॉब से ही ऑन होता है, जो हैंडल के करीब है वहाँ से लीड ओपन होता है, और यहाँ पे पेट्रोल डालने के बाद लीड को फिर से बंद कर दिया जाता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका काम किया गया है। सीट के ऊपर सिलाई देखिए कि इतना खूबसूरत सिलाई है इसका। मैंने क्लोज शॉट लिया है कुछ, सीट बहुत बढ़िया सीट है, नरम गद्दीदार सीट है। इसके ऊपर राइडर आराम से बैठकर चला सकता है। इसका जो क्लच है वो ऑटोमेटिक क्लच है, और इसका जो स्विच है ये है अपर डिपर पास स्विच। और ये है मैस्ट्रो लिखा गया है यहाँ पे। फिर से वो ब्रेकिंग सिस्टम, इसका जो वेट है 110 केजी है, और इसका मैक्सिमम पे लोड है इसका 130 केजी तक। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।